relationships will often end in disgust. And I know you are my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. हेलो वेलकम बैक टू ये देख टैक। और भाई मैं आ चुका हूँ एकाजी का प्लेस पे, जो हमारी बहुत ही बढ़िया किसी आपने बाइक देखी हुई खड़ी होगी और आपने थंबनेल भी चेक कर दिया होगा, डिटेल्स आपको पता चल गई होगी कौन सी बाइक की वीडियो आने वाली है। तो भाई मैं आ चुका था इस सेक्सी बाइक के पास, जो कि हमारी होनी है अपाचे 310। भाई साहब ये जो बीस्ट है ना, इसका येलो कलर जो है अल्टीमेट वाला, भाई जो लुक आ रहा है ना इसका, मैंने कहा क्यों ना इसकी बीस्ट वाली वीडियो भी आपको दी जाए और बढ़िया से ना आपको पूरा वॉक अराउंड कराया जाए। इस बाइक की अपने पहले वीडियोस काफ़ी देख चुके होंगे आप, बट यार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी ना कभी मिस हो जाती है, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो आपको दी जाए इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाली बाइक की। भाई थोड़ी सी बाइक की ना स्पेशल बताया था तो आपको, पहले तो ये 310 है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आ रहा है RTR 310, जो कि है 312 cc की बाइक। तो भाई इसका इंजन का जो आपको बताया मैंने 312 का डिस्प्लेसमेंट है, और इसको उसकी मैक्सिमम पावर जाती है भाई 35.8 BHP की जाती है 9700 RPM के ऊपर, और 28.7 Nm का टॉर्क आता है इसके अंदर। भाई तो आप समझ सकते हैं 6 मैनुअल गियर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और माइलेज इसकी 30 km/L की ऐसे कंपनी क्लेम करती है, और थोड़े से यूजर्स भी क्लेम करते हैं। वो तो यार देखो पता है ना, 20 बाइक है, 310 cc की बाइक है, तो आप सोच सकते हो कितना माइलेज इसके अंदर होगा। भाई फ्रंट में आपको उसकी डिस्क मिलने वाली है आगे पीछे दोनों, ये रही इसकी जो डिस्क है आगे और पीछे दोनों, देख ही सकते हैं आप पीछे भी आपको डिस्क मिली जाएगी इसकी, अलॉय व्हील्स के साथ ही आती है। 170 kg का इसका पूरा वेट है बाइक का, तो काफ़ी अच्छी खासी हैवी बाइक है, और टॉप स्पीड इसकी होने वाली है 150 km/L की टॉप स्पीड होने वाली है। टायर्स के ट्यूबलेस मिलेंगे आपको, 11 लीटर का इसका कैपेसिटी है टैंक की, फ्यूल टैंक की। और अगर थोड़ी सी बात करें इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की और सस्पेंशन की, तो भाई आगे इसके अंदर USD फॉग 41 mm का डायमीटर का वो लगा हुआ है अपना सस्पेंशन, जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और उसका जो रियर सस्पेंशन है भाई, वो सॉलिड टाइट कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म डायरेक्टली हिंज मोनोशॉक प्रीलोडेड एडजस्टेबल पूरा सा सस्पेंशन आपको मिलेगा, क्योंकि होने वाला है ये काफ़ी बढ़िया है। और ड्यूल चैनल ABS मिला भी मिल जाएगा आपको, 17 inches के आपको दोनों टायर मिलेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। वो देखो येलो कलर में कितनी बढ़िया लग रही है, इसके अंदर 3 ही कलर आते हैं, तो बट ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अब भाई सीट देख रहे हो उसकी खुल जाएगा, हटा सकते हो सिंगल सीट से जा सकते हो, बट ये भी अच्छी है। और उसकी टेल लाइट कितनी प्यारी लगती है, और उसकी फ्रंट की जो भाई हेडलाइट्स है वो देखो फुल DRL के साथ आती है भाई, LED प्रोजेक्टर वगैरह सब इसके अंदर आपको मिल ही जाएगा, और इंडिकेटर वो वाले स्कूटी वाले दोनों साइड देख लो, कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो ये है पूरा बाइक का ओवरव्यू, और देख लो कितना बड़ा भाई इसका आगे का टैंक है। चलाने वाले बंदे को मज़ा आ जाएगा भाई, कि मैं कोई चीज़ पे बैठ के यूज़ कर रहा हूँ उसको, मशीनरी हैवी मशीनरी का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो आपको साइड में सारे बटन्स मिलेंगे, ये इसके बेसिकली इसके बटन्स हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको पूरा कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा। इंडिकेटर के बटन आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, और इधर आई ये आपकी ऑन ऑफ लाइट हो गई, आगे के डिफरेंस वगैरह की हो गई, यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्फ स्टार्ट के लिए, और इंजन फेसिस दोनों एक ही में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है बाइक। अगर भाई आपको ये बाइक ले दे तो आप आ सकते हो बीकाजी कामा प्लेस, जो हमारे TVS का शोरूम है, तो उधर से आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर अपना डील कर सकते हो अगर आपको ये बाइक चाहिए। और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है ये,
जिसको भी 300 सीसी की बाइक चाहिए मतलब अच्छी खासी रेंज में मिल जाती है। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 3,10,000 के करीब। और जो आप शोरूम में आओगे तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट्स वगैरह की बात कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको मिल जाना बता ही देंगे। और देख लो छोटी छोटी डिटेलिंग कितनी बढ़िया हो रखी है इसके अंदर। अपनी अपाचे मिलेगी 310। और इसका तीन वेरियंट है, दो वेरियंट मतलब एक कलर है, दो कलर और है, ब्लू और साथ ब्लैक, तो आपको दोनों मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, आपको पूरा हेल्प करेंगे यहाँ पे, जो स्टाफ हो भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये बाइक तो भाई मेरी तो रिकमेंडेशन है अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखो येलो मैं भी येलो बन के आया हूँ, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा इसको वीडियो को कवर करना चाहिए। अगर पेज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। किसी को अगर अपाचे R2R310 पे जाना है तो वो जाके ले सकते हैं, अपना भिकाजी का वहाँ आ सकते हैं, अपना डील ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइक सामने खड़ी है। तो ये वाली बाइक अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपना बाइक ले सकते हो इधर आके, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी अपना चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल से मतलब गूगल मैप वगैरह के लिंक भी सब आपको वहीं मिल ही जाएंगे, वो दिक्कत हो रही वाली इस खतरनाक बीस्ट के लिए। मिलते तक किसी और में तक ले सीज़ूँ, टाटा बाय। Sound, what might as well just burn it down.